हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकू चैंपियन स्पोर्ट्स गुरुजी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो यहाँ पर कवर करूँगा स्पेनियल वर्सेस मारोका के बीच में होने वाले लालीगा के आज के मैच की। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कल की जो विनिंग जो यहाँ पर कल मैं विन किया हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पर कल मैं कंटिन्यूस अब 60,000 रुपये की मैंने विनिंग की है। 60,000 रुपये फ्रेंड मैं यहाँ पर कंटिन्यूस विन किया हूँ, और एक भी मैच मेरा फुटबॉल का ऐसा नहीं गया कि जिसमें मैं विन नहीं किया। आपको यहाँ पर दिखा दूँ मिलार वाला मैच, यहाँ पर आप देखेंगे 1,000 रुपये की यहाँ पर विनिंग हो गई। एंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 9 पोजीशन पे यहाँ पर 3 लोग थे, 2 मेरे यहाँ पर क्लाइंट थे, तो तब भी हमने यहाँ पे 4,000 में मैंने 666 यहाँ पे विन कर लिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे वेस्ट हैम वाला जो मैच था, यहाँ पे आप देखेंगे 10,000 रुपये की विनिंग मैंने यहाँ पर भी कर ली। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे PSG वाला जो मैच था वहाँ पर भी मैंने 5 रैंक लिया, यहाँ पर भी 10,000 की विनिंग कर ली। उसके बाद फ्रेंड लिवरपूल वाले मैच अभी यहाँ पर भी मैंने 8 रैंक लिया, यहाँ पर 10,000 की विनिंग कर ली। उसके बाद फ्रेंड देखेंगे आप टॉटनहम वाले मैच में 9 रैंक था, वहाँ पर ही मैंने विनिंग कर ली। उसके बाद फ्रेंड आप देखो यहाँ पर रियल बेतिस वाला मैच था, यहाँ पे 1 रैंक था। तो फ्रेंड आप देख ही रहे हो कि मेरी विनिंग कैसे यहाँ पे हो रही है। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से देखना। अपनी एक टीम बनाओ आप, मैं तो आपको एक टीम दूंगा ही, और आप उस पर चाहो तो ग्रैंड लीग की टीम भी बना सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आप उसे यहाँ पर विनिंग कर सकते हो आराम से। तो फ्रेंड उसके लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दूसरा क्या करना है कि @RCSG5555। तो फ्रेंड अगर आप टेलीग्राम आपके पास ऑलरेडी है तो आप ये सर्च कर लीजिए @RCSG5555, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। नहीं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। अब फ्रेंड बात करते हैं आज के मैच की। तो फ्रेंड पहले यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों टीमों के बीच में होने वाले विनिंग प्रिडिक्शन की, कि कौन सा टीम ये मैच जी सकती है। तो फ्रेंड वैसे यहाँ पे एस्पिनॉल के ज़्यादा यहाँ पर जीतने के चांस है, पर यहाँ पे मार्कोलोना के भी फ्रेंड बराबरी चांस है। तो फ्रेंड मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों टीमें फ्रेंड एक ही दर्जे की, बहुत ही जो पॉइंट टेबल में एक टीम 18 नंबर पर है, 20 टीम की मैं आपको पॉइंट टेबल भी दिखाऊँगा। तो दोनों टीमें बिल्कुल ही बेकार है, जो लालीगा की सबसे ख़त्म टीमें हैं उन दोनों टीमों का आज मैच है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये मैच क्या है बिल्कुल रिस्की मैच है। आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा कैसे आपको टीम लगानी है, कौन गोल कर सकता है, और यहाँ पर क्या कम्बिनेशन होना चाहिए डिफेंडर का, मिडफील्डर का, या आपके स्ट्राइकर का। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि 31% लोगों का कहना है कि मार्कोलोना की टीम ये यहाँ पर जीत जाएगी, और यहाँ पर एस्पिनॉल को यहाँ पर 58% लोग वोटिंग कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे बात की जाए इन दोनों टीमों के बीच में हुए जो लास्ट मैचेज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों टीमों में लगभग 3 और 2 की यहाँ पर रही है। 3 बार एक टीम जीती है और 1 बार 2 बार जीती है, तो ये लास्ट 5 मैचेज हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अब्सेंटी की अगर बात की जाए, जो यहाँ पर अब्सेंटी है फ्रेरिया, जो इनके मेन स्ट्राइकर हैं वो इंजर्ड है, वो नहीं खेलने वाले। उसका दुष्प्रभाव है यहाँ पे कैलेरियो है, हंडरसन है, उसका सेलार है, एंड बाबा है, ये यहाँ पे इंजर्ड है मार्कोलोना के, एंड यहाँ पे ये इंजर्ड प्लेयर है, आपको इनको अपनी टीम में नहीं रखना है। अब लालीगा की पॉइंट टेबल क्या कहती है फ्रेंड, यहाँ पे आप देखेंगे लालीगा की अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये दो टीमें आप देख रहे हैं, ये एक 19 पे है, एक 18 पे है। तो यहाँ पर 7 मैचेस खेले एस्पिनॉल ने, यहाँ पर ओनली 1 मैच विन किया है, 2 मैच ड्रॉ किए हैं, 4 मैच हारे हैं, टोटल 4 गोल किए हैं एंड 12 गोल इन्होंने खाए हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि टीम कितनी मतलब बेकार टीम है। मार्कोलोना की भी वही हाल है, सेम 7 मैचेस खेले हैं, 1 यहाँ पे विन किया है, 1 ड्रॉ किया है, 5 लॉस किए हैं, इन्होंने लॉस एक एक्स्ट्रा कर दिया, एंड 4 यहाँ पे गोल किए एंड 12 खाए। तो फ्रेंड यहाँ पे इस मैच में मुझे गोल के चांस, इस मैच का मैं अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो इस मैच का रिजल्ट फ्रेंड यहाँ पर हो सकता है 0-0, नो गोल मैच भी हो सकता है, या तो फिर 1-0 या 0-1, कोई भी टीम एक गोल कर सकती है और एक टीम को यहाँ पर क्लीन शीट मिल सकती है। तो फ्रेंड मैं आपको कहूँ कि इस मैच की प्रेडिक्शन मुझे यही कहती है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कुछ आपको कुछ अच्छा मैच ये है और खेलने के लिए भी अच्छा मैच नहीं। फ्रेंड आप यहाँ पर ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हैं, अगर आप स्मॉल लीग की यहाँ पर खेलना चाहते हैं तो आपको कम अमाउंट के साथ खेलना पड़ेगा। रिसेंट अगर 5 गेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलोर्का की टीम यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पे 4 मैच हारी है, 1 मैच ड्रॉ है, 1 मैच भी यहाँ कोई मैच यहाँ पर जीती नहीं है, ठीक है। 4 मैच हारी है और 1 मैच सिर्फ इन्होंने ड्रॉ कराया है। और यहाँ पे एस्पिनॉल की टीम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 मैच विन किया है इन लोगों ने और 2 मैच हारे हैं और 2 मैच ड्रॉ है। तो फ्रेंड ये इनके लास्ट 5 मैचेस की बात है।
उसके बाद फ्रेंड अगर प्लेयर स्टैटिक्स की अगर बात की जाए कि यहाँ पर क्या स्टैटिक्स है, तो फ्रेंड यहाँ पे फरेरिया के फ्रेंड इस मैच में खेलने का चांस नहीं है, इंजर्ड है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे विक्टर कभी इस मैच में यहाँ पर खेलने का है, बट इन्होंने विक्टर को किसी दूसरे नाम से यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे ये विक्टर सेंचेज है, इस मैच में खेलेंगे फ्रेंड। एंड 7 मैचेस में इन्होंने 3 गोल किए, मैं आपको बता दूंगा। इन वूल ये फ्रेंड यहाँ पे चाइना रिपब्लिक के प्लेयर हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 मैच में उन 2 गोल किए, इनके भी यहाँ पर इस मैच में खेलते आपको दिख जाएंगे। कालेरी फ्रेंड डाउटफुल हैं, एंड पुलातो भी यहाँ पर डाउटफुल है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मिडफील्डर की अगर बात की जाए, मैं कर रहा हूँ बात फ्रेंड यहाँ पर एप्सनल के प्लेयर्स की बात। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे वर्गास है, फ्रेंड वर्गास के बारे में आप देखेंगे अर्जेंटीना के यहाँ पर एक प्लेयर है और काफ़ी अच्छा इनका यहाँ पे 13 मैचेस में उन्होंने 4 गोल किए हैं, 2 असिस्ट है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे स्पेन के ग्रेनो है फ्रेंड, इनके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, यहाँ पर कुछ अच्छा इनका परफॉर्मेंस अभी यहाँ पर रह नहीं रहा है और यहाँ पर इस मैच में भी ये डाउटफुल है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे डाडेर है फ्रेंड, रोका है, रोका के बारे में बात करूँ फ्रेंड यहाँ पे ज़्यादा पास बनाएंगे अपनी टीम के लिए, तो अगर आपको यहाँ पर रखना है रोका को अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे विक्टर सेंचेज है फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्लेयर है, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं फ्रेंड, इनका यहाँ पर पास के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कोई ज़्यादा मुझे कुछ खास यहाँ पर ऑप्शन लग नहीं रहे। बात की जाए फ्रेंड यहाँ पे डिफेंडर्स की अगर, तो डिफेंडर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आद्रिया है फ्रेंड, जिन्होंने यहाँ पे 2 गोल किए हैं, एंड डिडाक है फ्रेंड जिन्होंने 1 गोल यहाँ पे किया है, लोपेज है जिन्होंने 1 गोल किया, बाकी के इनके कुछ यहाँ पे नाल्दो या कैलेरियो ने यहाँ पर कुछ किया नहीं। तो फ्रेंड ये तीनों ही यहाँ पे साफ पिक कर लेना, इन तीनों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर मलगौरका की बात है तो यहाँ पे आप देखेंगे बुद्धिमीर है फ्रेंड, तो ये काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्लेयर आपको साबित हो सकते हैं। इन्होंने फ्रेंड यहाँ पे 7 मैचेस में यहाँ पे 2 गोल किए हैं और यहाँ पर इस मैच के क्रोटेरिया के प्लेयर हैं और इनका ज़्यादा गोल करने का चांस रहेगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे लागो फ्रेंड इस मैच में आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, पर इन्होंने अभी तक गोल नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं इनको ज़्यादा अपनी टीम में रखूँगा नहीं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो स्ट्राइकर्स में ज़्यादा कुछ अच्छे ऑप्शन मुझे लग नहीं रहे। मिडफील्डर की अगर बात किया तो फ्रेंड यहाँ से डानी रॉलिक जैम, तो यहाँ पर डानी रॉलिक्स फ्रेंड यहाँ पर ड्रीम इलेवन ने इनको अपनी टीम में नहीं रखा है, तो मैंने इस प्लेयर को ड्रीम इलेवन में ढूंढा फ्रेंड, ना तो ये मुझे फॉरवर्ड में दिखाई दिए, ना ये मिडफील्डर में, ना ये डिफेंडर में, तो ड्रीम इलेवन ने इनको अपनी टीम में नहीं लिया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर फेवर्स की बात करें, कुबो की बात करें, तो यहाँ पर कुबो खेलते हुए आपको दिख जाएंगे, तो इनको अपनी टीम में आप पिक कर सकते हैं अगर आपको ग्रेलिंग को ट्राई करना है। एंड यहाँ पे सेल्वा सेविया की बात की जाए फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर है, पास अच्छा बनाते हैं, तो आप अगर एज ए पास इनको रखना चाहते हो आप इनको रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर से फ्रेंड ये मोहम्मद खेलते हुए दिख जाएंगे, बाकी कोई अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। डिफेंडर की बात किया तो फ्रेंड यहाँ पे विलजैंड फ्रेंड अच्छे यहाँ पर है, शास्त्र यहाँ पर अच्छे, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इनको भी आप रख सकते हैं, इनके गोल करने के चांस तो रहते नहीं है फ्रेंड, बट यहाँ पर क्लीन शीट के चांस इनको ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे अब लाइनअप की बात करते हैं, यहाँ पे प्रिडिक्शन लाइनअप, ये जो प्रोबेबल लाइनअप हो सकती है, तो फ्रेंड बात की जाए तो यहाँ पे जो मेन प्लेयर है जिनको आपको अपनी टीम में पिक करना है वो है यहाँ पे बुद्धिमीर फ्रेंड, जिनको अपनी टीम में रखना ही है, एंड यहाँ से वूली, तो फ्रेंड ये दोनों को अपनी टीम में आपको रखना है, और यहाँ पे वर्गास को भी रखना है फ्रेंड। यहाँ पे डानी रॉड्रिक्स यहाँ पर ड्रीम इलेवन में नहीं है, मैंने इनके बारे में फ्रेंड यहाँ पे चेक कर लिया, पर ड्रीम इलेवन में यहाँ पे नहीं मिले। आंद्रे पल्डोसे यहाँ पर फॉरवर्ड में आ रहे, बट ये यहाँ पे आपको डिफेंडर में मिल जाएंगे ड्रीम इलेवन में, तो इनको भी पिक कर लेना, इनके नाम पे भी अच्छे अच्छे यहाँ पर इन्होंने गोल किए हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सवरा सेविये को पिक कर लेना, एंड यहाँ पर सेंचे को अपनी टीम में आप रख सकते हैं। बाकी फ्रेंड ये रही यहाँ पर इनकी प्रोबेबल लाइनअप, तो विकेट कीपर, गोल कीपर आप किसी को भी यहाँ पर पिक कर सकते हैं फ्रेंड, चाहे आप इनका गोल कीपर लीजिए एस्पिनॉल का या मार्कोलानो का, कहीं का भी आप गोल कीपर ले सकते हैं। अब सेंटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो यहाँ पर प्लेयर अपसेंटी ये इस मैच पर अपसेंट रहेंगे। अब बात की जाए फ्रेंड यहाँ पर ड्रीम इलेवन की, एक टीम की जो मैं यहाँ पर आपको बना के दूंगा, काफ़ी अच्छी टीम रहेगी, आप इस टीम के साथ खेलने उतर सकते हैं। तो बात की जाए फ्रेंड यहाँ पे स्ट्राइकर से, तो स्ट्राइकर से आपको यहाँ पे मस्ट पिक होगा आपकी स्मॉली की टीम में बुद्धिमीर फ्रेंड, आपको इनको अपनी टीम में रखना ही है फ्रेंड, इनको आप ड्रॉप नहीं करना क्योंकि इनके गोल के चांस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको रखना है वूली को यहाँ पे 4.88% लोगों ने यहाँ पे लिया है, बट मैं यहाँ पे वूली को लूँगा फ्रेंड, वूली का इस मैच में खेलने का चांस अच्छा है और इनके गोल के चांस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर फ्रेंड यहाँ पे फरेरिया यहाँ पे खेलते हैं फिट होते हैं तो आपको इनको 100% रखना है, कालेरी को रखना है, अगर कालेरी आपको यहाँ पर मिल जाए आपके यहाँ पर अगर लाइनअप में आते हैं तो आपको कलरी को अपनी टीम में रखना है। तो फ्रेंड मिडफील्डर की अगर बात किया तो यहाँ पे मैं वर्गास को रखा हूँ फ्रेंड अपनी टीम में, एंड
रोका को मैंने रख लिया क्योंकि इनका गोल पास ज़्यादा अच्छा है, एनियास से मैंने सेविया को अपनी टीम में रखा क्योंकि इनके गोल सॉरी गोल नहीं जो इनके पासेज हैं फ्रेंड ज़्यादा पासेज करते हैं अपनी टीम के। तो दोनों प्लेयर मैंने यहाँ पे जो अपनी टीम के हाइस्ट पासर हैं इनको मैंने अपनी टीम में रख दिया है। बाकी फ्रेंड तीन मिडफील्डर के साथ ही मैं इस गेम में खेलने के लिए उतरूंगा क्योंकि मुझे मालूम है इस मैच में गोल वोल कुछ पड़ने हैं नहीं। डिफेंडर की अगर बात किया तो फ्रेंड मैंने यहाँ से विला को रख लिया एंड यहाँ पे पेट्रोशा को मैंने यहाँ से रख लिया एंड विजैन को रख दिया, शास्त्रे को रख दिया, लोपेज को रख दिया है। तो फ्रेंड ये पाँच के साथ मैं यहाँ पे उतरूँगा, पाँच मिडफील्डर जो मैं इनको पिक करूँगा। नाल्डो के यहाँ पर कुछ ज़्यादा चांसेस हैं नहीं, इन्होंने यहाँ पर मैंने इन प्लेयर्स को यहाँ पर इसलिए पिक किया है क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ असिस्ट या कुछ ना कुछ पास यहाँ पर किए हैं। गोल की मैंने यहाँ पर रख दिया फ्रेंड मार्कलोनो को, यहाँ पर रेनिया को रख दिया फ्रेंड। तो यहाँ पर तीन तीन अगर टीम प्रीव्यू की अगर बात की जाए तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने तीन प्लेयर खिला दिया मैंने यहाँ पर मार्कलोनो का, तीन प्लेयर खिला दिया मैंने यहाँ पर क्योंकि फ्रेंड कोई भी टीम ये मैच जीत सकती है और यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। तो अगर यहाँ पर क्लीन शीट यहाँ पर मोस्टली रिजल्ट 1-0 या 0-1 ऐसा ही कुछ होगा कि दोनों टीम में से कोई भी टीम ये 1-0 जीत सकती है। और ये भी हो सकता है कि इस मैच में गोल ही ना पड़े, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि इस मैच में गोल ना पड़े। तो इसमें अगर आपको ग्रैंडी की मैं सेशन करूं तो आपको ऐसी टीम एक क्रिएट करनी है, कोई भी ऐसी आप टीम एक क्रिएट कीजिए और यहां पर से एक जो ये वूली है किसी को आप हटा के यहां पर एक मिडफील्डर रख लीजिए और साथ में आप क्या करना कि यहां से कैप्टन या वाइस कैप्टन आप ऐसे ट्राई करना, कैप्टन या जैसे आपने इसको कर दिया वाइस कैप्टन इसको, ऐसे करके आप अपनी एक पाँच ग्रैंडी की टीम और एक्स्ट्रा बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। क्योंकि फ्रेंड जब यहाँ पर रिजल्ट 0-0 होता है गोल का 0-0 होता है तो फिर क्या होता है कि हमको क्लीन स्लेट के पॉइंट डिफेंडर को मिलते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पर जिसने डिफेंडर को कैप्टन या वाइस कैप्टन किया होगा या गोलकी को वाइस कैप्टन या कैप्टन किया होगा तो वो बंदा यहाँ पर ग्रैंड लीग आसानी से विन होता है फुटबॉल में। तो आपको इस टाइप से एक टीम भी क्रिएट करनी है। अगर यहाँ पर ड्रीम लोन हमको छः टीम बनाने के लिए यहाँ पर देता ही है तो उसमें से एक या दो टीम आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपके कैप्टन या वाइस कैप्टन आपके डिफेंडर हों या गोलकी हों, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक टीम ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग की टिप थी। और दूसरी टीम मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड आप कैसे यहाँ पे पिक करें। तो दूसरी टीम आप इसमें क्या पिक करना मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ग्रैंड लीग की मैं आपको पूरी यहाँ पे सेशन दूंगा। तो फ्रेंड ये होगी आप लोगों के लिए स्मॉल लीग की टीम, इस टीम के साथ आप यहाँ पर खेलने उतर सकते हैं, काफ़ी अच्छी टीम है। कैप्टन यहाँ पे बुद्धिमीर को करूँगा एंड वाइस कैप्टन यहाँ पे वूली को करूँगा क्योंकि इसके गोल के चांस ज़्यादा रहेंगे एंड इसके गोल के चांस उसके बाद आते हैं। तो ये सेकंड नंबर पर गोल करने के चांस है, फर्स्ट नंबर पर गोल करने के चांस बुद्धिमीर के रहेंगे। अब फ्रेंड मैं आपको एक यहाँ पर क्रिएट करूँगा, एक मिनट। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग की एक बहुत ही प्यारी टिप देने वाला हूँ। आपको क्या करना है इस मैच में आपको एक साइड एक के सारे डिफेंडर रखने हैं और एक के यहाँ पर आपको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे पहले तो फिल्टर कर लो, फिल्टर करने से क्या होता है कि आपको जिस टीम के प्लेयर लेने हैं वो टीम आ जाती है। जैसे मुझे एप्सिलॉन का फिल्टर कर दिया मैं ऐसे करके टीम क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ से देख लिया कि एप्सिलॉन की तरफ से कौन भी गोल की खेलेगा, डियागो, और यहाँ से मैंने देख लिया तो यहाँ से मैंने ले लिया नाल्डो को, ले लिया लोपेज, ले लिया जो भी यहाँ पर बाय द वे खेलेंगे जो भी लाइनअप में, आपको तो लाइनअप आ ही जाएगी बाद में। तो अब यहाँ से इनके जितने भी यहाँ पर आते हैं डिफेंडर, जैसे चार अगर डिफेंडर खेलेंगे तो चारों डिफेंडर आपको इस टीम के पिक करने हैं। आपको फिर क्या करना है यहाँ पर, आपको करना है यहाँ से वोली को पिक कर देना जो भी यहाँ पर इनका स्ट्राइकर खेलेगा क्योंकि उसके गोल करने के चांस रहेंगे ज़्यादा। उसके बाद अगर यहाँ पर पांच डिफेंडर खेल रहे हो तो पांचों के पांच डिफेंडर आपको पिक करने हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं। आपको फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे मिडफील्डर को पिक करना है। मिडफील्डर में यहाँ पे वर्गास के चांस ज़्यादा रहेंगे गोल करने के या असिस्ट देने के। तो फिर मैंने यहाँ से वर्गास को पिक कर लिया। अब हो गया, अब यहाँ पर मैंने सेवन प्लेयर एक टीम के मैंने पिक कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप फिर से फिल्टर कर दो मार्सिलोना की टीम की तरफ, डिफेंडर छोड़ दो मार्सिलोना के। अब यहाँ पर इनके यहाँ पर पाँच प्लेयर पिक कर लो जो यहाँ पर खेल रहे हैं। आपको इनके पांच प्लेयर जो पिक करने हैं वो करने हैं ओनली मिडफील्डर, आपको यहाँ पे इनका स्ट्राइकर पिक नहीं करना है क्योंकि इनके गोल करने के चांस ज़्यादा नहीं है। या तो फिर आपको इनका एक यहाँ से जो अच्छा इनका यहाँ पर ऊपर डिफेंडर है उसको यहाँ पर पिक करना है। बट आपको एक चीज़ बता दूँ, जब यहाँ पर दो गोल पड़ते हैं फुटबॉल में तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर माइनस हो जाता है जिस टीम ने गोल खाए हैं। तो इसलिए थोड़ा कभी कभार डिफेंडर रिस्की रहता है। तो मैं आपको से यही करूँगा, डिफेंडर को आप मत कीजिए, आप मिडफील्डर को ही पिक कीजिए। तो आप इस टाइप से टीम क्रिएट करके आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें वूली को कैप्टन करके एंड यहाँ से किसी भी डिफेंडर को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो। और ऐसे ही आप यहाँ पर छः टीम क्रिएट कर सकते हो।
आपने कैप्टन ही कर दिया, वाइस कैप्टन ही कर दिया, वाइस कैप्टन ही कर दिया, वाइस कैप्टन ही कर दिया, सिंपल बन गई आपकी ग्रैंड लीग की टीम। और इन्हीं टीम से यहाँ पर जितने भी फुटबॉल में यहाँ पर ग्रैंड लीग खेलते हैं, ये ऐसी टीम आपको कोई भी नहीं देगा फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी टीम से यहाँ पर फुटबॉल में मैंने बहुत सारी ग्रैंड लीग विन की है कि यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी कम्बिनेशन होता है कि ये टीम आप सेम रहने दो और यहाँ पर से आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, तो यहाँ पर जो प्लेयर है एक जो यहाँ पर देखिए, जैसे इस आप ऐसी टीम से भी खेल सकते हैं कि मैं यहाँ पे कैप्टन कर दूँ वर्गास को, वाइस कैप्टन कर दूँ वूली को, आप ऐसी टीम से भी खेल सकते हैं। फिर अगली टीम में आपको क्या करना है, देखो मैं आपको एक टीम क्रिएट करके दूँ। अगली टीम में आपको क्या करना है, आपको यहाँ से वर्गास को हटा के डाडेर को रख देना है। बाय द वे डाडेर गोल मार देगा तो उसका भी कोई भरोसा नहीं है ना, बस एक टीम आपकी ये बन गई। फिर आपको अगली टीम में क्या करना है, डाडेर को छोड़ के आपको मेलांडो को यहाँ पे रख देना है, इसको कैप्टन कर देना है, ये टीम भी बन गई। तो ऐसे करके ग्रैंड लीग की टीम ग्रेड होती है फ्रेंड, ऐसे करके फुटबॉल में ग्रैंड लीग जितना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, बहुत ही आसान है ग्रैंड लीग जितना फुटबॉल में। अगर आप यहाँ पर पेशेंस रखेंगे तो आप आराम से 1 लाख 2 लाख यहाँ पे विन कर चुके हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड क्योंकि मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये की ग्रैंड लीग विन कर चुका हूँ, 50,000 रुपये की ग्रैंड लीग विन कर चुका हूँ फुटबॉल में। ये मेरी आप लोगों के लिए बिल्कुल सजेशन है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो फ्रेंड ग्रैंड लीग के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि क्रिकेट में आप 20 लाख की ग्रैंड लीग विन कर जाओ, कैसे विन करोगे भाई, 20 लाख की ग्रैंड लीग में 20 लाख लोग भी तो खेलते हैं ना। अगर 20 लाख लोग ये सोचेंगे कि मुझे आज ही विन करना है तो कैसे विन हो जाएगा। कई लोग यहाँ पर 2-2 साल में ग्रैंड लीग विन करते हैं, 1 साल में ग्रैंड लीग विन करते हैं और इतना विन करते हैं, 20 लाख अगर उसने विन कर दिया तो उसका पूरा का पूरा समझ रहे हो ना कितना उसका, जितना भी उसका लॉस होगा सारा का सारा एक ही दिन में कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं ग्रैंड लीग के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट को या जितने भी मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं उनको कि भाई ग्रैंड लीग तो पक्का ट्राई करो। स्मॉल लीग भले ही आप खेलना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्रैंड लीग खेलना कभी मत छोड़ना। और एक दिन 100% आपकी ग्रैंड लीग लगेगी और ऐसी ग्रैंड लीग लगेगी कि आपका जितना भी लॉस है सारा वो एक साथ कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।